Swayam Prabha. Digital India. Educated India. नमस्कार दोस्तों भारतीय इतिहास के औपनिवेशिक काल के ऊपर केंद्रित इतिहास लेखन की बदलती प्रवृत्तियों रुझानों के अलग अलग आयामों पर हम इस लेक्चर श्रृंखला में बात कर रहे हैं और हमने 18वीं सदी के उत्तरार्ध से यह सफ़र शुरू की आज हम इस लेक्चर में बीसवीं सदी में विकसित खासकर कहें तो मध्य बीसवीं सदी 1940 के आसपास 40 के दशक से विकसित आकार लेती मार्क्सवादी इतिहास लेखन के कुछ पहलुओं पर चर्चा करेंगे इसकी अहमियत किस तरह के सरोकार इस विचारधारा के इतिहासकारों ने अभिव्यक्त की आदि विषयों पर आज हम इस लेक्चर श्रृंखला में बात करेंगे मोटे तौर पर कहें तो 1940 के दशक के मध्य से लेकर हम 1960, 1970 और 1980 के दशक के मध्य तक अपना यह सफ़र जारी रखेंगे पिछले लेक्चर में हमने राष्ट्रवादी इतिहास लेखन के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित रखा था उसमें भी विशेष रूप से जिस प्रकार अकादमिक इतिहास लेखन बीसवीं बीसवीं सदी में आकार ले रहा था उस तरफ हमने अपना ध्यान केंद्रित रखा एक तरह से कह सकते हैं कि इसी अकादमिक इतिहास लेखन जिसे आप कह सकते हैं डिसिप्लिनरी हिस्ट्री में मार्क्सिस्ट स्कूल ऑफ हिस्ट्री राइटिंग की एक अहम भूमिका रही है और इसलिए भी बहुत विस्तार से न भी थोड़े से गहराई से जाकर हम इस इतिहास लेखन इस विचारधारा के इतिहास लेखन से संबंधित कुछ जांच पड़ताल करें लेकिन साथ ही मैं एक बात और स्पष्ट करने देना चाहता हूं शुरू में ही वह यह कि जब हम किसी खास विचारधारा के जुड़े हुए इतिहास लेखन की बात कहते हैं तो इसका यह कतई मतलब नहीं है कि उस विचारधारा से जुड़े हुए इतिहासकार या जो इतिहासकार खास फ्रेम से खास विचारधारा के फ्रेम से इतिहास लिख रहे हैं उनके लेखनी में अन्य विचारधाराओं से उस विचारधारा के सीमा रेखा के बाहर जाने की गुंजाइश न हो तो ये कोई सील्ड जिसे कहते हैं कंपार्टमेंटलाइज्ड अंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए अनेक किस्म के आदान प्रदान हम पाते हैं और जिनकी अपनी अहमियत भी है दूसरी बात कि जब हम विचारधारा विचारधारात्मक रवैये की बात करें इतिहास लेखन में वह भी कहीं एक जगह ठहरी हुई बात नहीं है विचारधाराओं की समझ आइडियोलॉजी का अपना इतिहास होता है ख़ासकर उसमें बौद्धिक विकास का इतिहास होता है उसके अपने बदलते आयाम होते हैं किसी ख़ास समय में कोई ख़ास मुद्दा अधिक अहमियत लेता है समय गुजरते हुए गुजरने के साथ कुछ नए मुद्दे आ जाते हैं नए प्रश्न सामने आते हैं इसलिए हम जब मार्क्सवादी इतिहासधारा की बात करें तो जैसा मैंने कहा उसे जरूरत या एकास्म तरीके से न देखें यह मेरा एक आग्रह है इसी के साथ साथ यह भी स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि इन बदलती रुझानों के साथ साथ कुछ बुनियादी समानताएं हम इन इतिहास कारों के मध्य पाते हैं एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग आप कह सकते हैं कुछ कॉमन उद्देश्य एक कॉमन फ्रेम और इसी कारण से हम इस तरह के लेखनी को किसी खास चौकठे में रखते हैं और उसका आकलन करते हैं तो ये कुछ चंद शुरुआती जिसे कहते हैं डिस्क्लेमर्स के साथ यदि हम अपनी बात को आगे बढ़ाएँ तो हम देखते हैं कि 1940 के दशक के मध्य से और एक खास कारण है कि मैं 1940 के दशक के मध्य की बात बार बार दोहरा रहा हूं, जिस पर हम अभी आएंगे क्योंकि इस विचारधारा के माध्यम से इतिहास देखने की परिपाटी 40 के दशक से पहले भी हम पाते हैं लेकिन जिस एक महत्वपूर्ण उदाहरण का मैं यहाँ जिक्र करना चाहूँगा कुछ विस्तार से वह पुस्तक 1946 में आई और अत्यंत प्रभावकाली सिद्ध हुई इसलिए मैं बार बार 1940 के दशक के मध्य की तरफ लौटता हूँ हमने पिछले लेक्चर में देखा कि 1930 के दशक के मध्य से इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस की स्थापना या अमूमन 1930 सौ के दशक में इतिहास संस्थानात्मक और अकादमिक स्वरूप अख्तियार कर रहा था भारत में कई तरह से कहें तो एक पैन इंडियन अखिल भारतीय स्वरूप भी ले रहा था मैं मोटा मोटी तौर पर यह बात कर रहा हूँ क्योंकि इतिहास में और बौद्धिक जगत में जैसा आप सब जानते होंगे कि जब आप किसी परिघटना को सरलीकृत कर अभिव्यक्त करते हैं तो अनेक किस्म के किंतु परंतु वाद विवाद की गुंजाइश आप छोड़ते जाते हैं और इसी तरह ज्ञान आगे भी बढ़ता है बहरहाल तो 1930 के दशक से जो अकादमिक इतिहास अपना एक मुकम्मल स्वरूप अख्तियार कर रहा था वहाँ 1940 के दशक में के शुरुआत से ही हम एक स्पष्ट और अलहदा किस्म के नजरिए से वाकिफ होते हैं जो अलहदा था वह यह कि अब इतिहासकारों का एक समूह भले ही उसका आकार बहुत छोटा था उन दिनों वह अपने इतिहास लेखन की चिंताओं में राजनीतिक प्रश्न से या तो दूर जा रहा था या फिर राजनीति और राष्ट्रवाद को नए धरातल पर नए क्षेत्रों में नए कारकों के साथ उसकी जांच पड़ताल कर रहा था तो यहाँ इस इन इतिहासकारों के लिए एक जो मुद्दा अहम था वह था आर्थिक कारक इतिहास में और आर्थिक कारकों की केंद्रीयता समाज को राजनीति को संरचित करने में इतिहास में परिवर्तनकारी तत्व के रूप में आर्थिक अवयवों की केंद्रीय भूमिका तो राष्ट्रवाद को आर्थिक जमीन से देखने की कवायद इन इतिहासकारों ने अपनी इतिहास दृष्टि मार्क्स कार्लमार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स के लेखनी से ली और आधुनिक भारतीय इतिहास की व्याख्या करने का प्रयास किया यहां एक और मूल प्रश्न या मूल तत्व यह कि इस विचारधारा से प्रेरित इतिहास में इतिहास एक सतत परिवर्तनशील मुद्दे के रूप में व्याख्यायित किया जाता है अर्थात समाज में परिवर्तनशीलता नियत है यदि कोई एक तत्व स्थिर है तो वह है परिवर्तन इस परिवर्तन को कैसे समझा जाए मानव समाज यहाँ आदिम काल से सतत विकास की एक प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया को समझने के लिए हमें ये इतिहासकार बताते हैं यह विचारधारा बताती है कि समाज के मौलिक संरचना की बनावट बसावट की तरफ ध्यान देना होगा इन संरचनात्मक परिवर्तन के जरिए ही समाज बदलता है एक युग का अंत होता है दूसरे युग की शुरुआत होती है और यह जो एक सतत प्रक्रिया है बदलाव की इसके लिए जो शब्द प्रयोग में किया जाता है जिसकी तरफ हम अधिक विस्तार में यहां नहीं जाएंगे वह है हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म ऐतिहासिक भौतिकवाद फिर से यदि कहें तो बहुत सरल शब्दों में ऐतिहासिक भौतिकवाद के जरिए हम इस संकल्पना के जरिए समाज के परिवर्तन को दो स्तरों पर देखते हैं उनका आकलन करना की कोशिश करते हैं कोई भी परिवर्तन की शुरुआत आधारभूत कारकों और आधारभूत परिवर्तन से होता है और आधारभूत इकाई में संरचना में परिवर्तन ही बाह्य स्वरूप को परिवर्तित करता है इसके लिए जो दो शब्द अक्सर इस्तेमाल किए जाते हैं वह है बेस और सुपरस्ट्रक्चर परिवर्तन की शुरुआत हमेशा नीचे आधार से होती है और वह अपने को प्रतिफलित करती है ऊपर सतह की तरफ इस दो स्तरीय व्याख्या में इस मॉडल में आधार और सुपरस्ट्रक्चर के बीच हमेशा एक द्वंद्वात्मक संबंध होता है एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से वह निर्भर होते हैं लेकिन यहाँ हमेशा परिवर्तनकारी अवयव के रूप में तरजीह दी जाती है उन कारकों को जो जड़ में बेस में होती हैं और यह बेस समाज का सामाजिक और आर्थिक कारकों से बना होता है खासकर इसमें परिवर्तन के लिए इस विचारधारा में आर्थिक कारकों की केंद्रीय भूमिका स्वीकार की गई है तो इस मॉडल में इकोनॉमिक फैक्टर्स आर्थिक कारक से मूल जमीन बेस प्रभावित होता है और उससे सुपरस्ट्रक्चर जिस स्तर पर विचार को सामाजिक अभिव्यक्तियों को स्थित किया गया है वहाँ परिवर्तन आता है संस्कृति विचारधारा यह आदि सुपरस्ट्रक्चर पर लोकेटेड होते हैं इस मॉडल में तो यदि इस सरलीकृत मॉडल में भी हम देखें तो सबसे मूल परिवर्तनकारी इकाई आर्थिक जगत में परिवर्तन आर्थिक कारकों के द्वारा परिवर्तन उससे आधारभूत सामाजिक संरचना में परिवर्तन और फिर विचारधारात्मक या व्यापक परिवर्तन आर्थिक कारकों को यहाँ जिस फ्रेज से अक्सर व्याख्यायित किया जाता है वह है मोड ऑफ प्रोडक्शन अर्थात उत्पादन की प्रक्रिया उत्पादन की प्रक्रिया की संकल्पना तीन कारकों से बनी होती है वह है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन उत्पादन के साधन मेथड ऑफ प्रोडक्शन उत्पादन के तरीके और रिलेशनशिप ऑफ प्रोडक्शन उत्पादन के संबंध इन तीनों का संयुक्त रूप मोड ऑफ प्रोडक्शन के नाम से जाना जाता है जो जिसमें परिवर्तन से समाज में परिवर्तन और ऐतिहासिक परिवर्तन आते हैं तो इस फ्रेम में जिसको मैंने बहुत सरल शब्दों में यहाँ आपके सामने रखने की कोशिश की है भारतीय इतिहास खासकर आधुनिक भारतीय इतिहास को व्याख्यायित करने का जो मुकम्मल प्रयास जो ऐसा प्रयास जो अत्यंत प्रभावशाली हुआ और जिस पर हम यहाँ कुछ विस्तार से चर्चा करेंगे वह किताब है ए आर देसाई की सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज़्म भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि मार्क्सवादी विचारधारा के अंदर राष्ट्रवाद की संक, संकल्पना की जो व्याख्या की जा रही थी या अभी की जाती है वहाँ से अंतर्दृष्टि लेते हुए उसको फॉलो करते हुए ए आर देसाई जो पहली अहम बात हमारे सामने लेकर आते हैं वह यह कि राष्ट्रवाद एक ऐतिहासिक प्रक्रिया है यह एक खास समय में उत्पन्न होता है न कि यह एक ऐसी भावना है जो मानव समाज को में हमेशा से सनातन रूप में उपलब्ध हो तो ये एक हिस्टोरिकल कॉन्स्ट्रक्ट है, न कि एक प्राइमोडियल फॉर्म जो आदमी प्राइमोडियल फॉर्म कहने का मतलब कि कोई कुछ ऐसी बात जो आदमी जन्म से ही या सभ्यता के उद्भव से ही मौजूद हो ऐसा नहीं है यदि यह ऐतिहासिक प्रक्रिया है तो एक खास ऐतिहासिक चरण में यह मानव समाज में परिलक्षित होता है और इस ऐतिहासिक प्रक्रिया को रेखांकित करने के लिए ए आर देसाई या अन्य मार्क्सवादी इतिहासकार पश्चिमी यूरोप में राष्ट्र राज्यों के उदय के साथ जोड़ते हैं यह घटना सोलहवीं सदी लेकिन मुख्य रूप से सत्रहवीं और 18वीं सदी की तरफ हमें ले जाता है यह वह काल था जब पश्चिमी यूरोप में सामंतवाद अपने पतन पर था और औद्योगिकरण के साथ साथ 18वीं सदी में हम पश्चिमी यूरोप में पूंजीवाद का अभ्युदय है पाते हैं तो दूसरी अहम निर्मित इस विचारधारा की यह है कि राष्ट्रवाद पूंजीवादी समाज व्यवस्था के साथ जुड़ा हुआ एक ऐतिहासिक प्रक्रिया है अब यहाँ सवाल यह रह जाता है कि यदि राष्ट्रवाद पूंजीवादी समाज की अभिव्यक्ति है तो फिर भारत में जहाँ पूंजीवाद तो नहीं आई ऐसी समाज में हम राष्ट्रवाद की व्याख्या कैसे करें और यहाँ राष्ट्रवाद का उदय किन कारणों से हुआ कैसे हुआ और इसका स्वरूप क्या है दूसरी बात कि सामंतवाद और राष्ट्रीय चेतना क्योंकि यदि भारत में पूंजीवाद नहीं आया मुकम्मल तौर पर ऐसी परिस्थिति में सामंतवाद के साथ राष्ट्रवाद का क्या संबंध रह जाता है या राष्ट्रवादी चेतना के बीच क्या संबंध हैं यह उसी तरह का सवाल है जैसे पूंजीवादी अवयव और राष्ट्रवाद के बीच का क्या संबंध है तीसरी अहम निर्मिति यह कि भारत में राष्ट्रवाद अंग्रेजी उपनिवेशवाद की प्रक्रियाओं से उपजा हुआ एक ऐतिहासिक परिघटना है तो यहां पूंजीवाद का उदय भले ही न हो लेकिन औपनिवेशिक राज्य के द्वारा तैयार की हुई ऐतिहासिक परिस्थितियों के कारण उनके रिस्पांस में कह सकते हैं आप उनके विरोध के स्वरूप में भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ इन सब पिछले तीन मूलभूत बिंदुओं को यदि जोड़ें तो यह फिर से हमें पहली मूल आधारभूत संकल्पना की तरफ ले जाती है वह यह कि राष्ट्रवाद एक ऐतिहासिक परिघटना है और ऐतिहासिक रूप से भी ये देखें तो यह एक आधुनिक परिघटना है हम इन सभी तीन चार बिंदुओं पर सिलसिलेवार तरीके से वापस आने की कोशिश करेंगे लेकिन जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि इतिहास में परिवर्तन सातत्य है तो राष्ट्रवाद भी एक सतत परिवर्तनशील प्रक्रिया है यह कोई इसे कोई पूर्ण विनाम के द्वारा नहीं समझा जा सकता है इन्हीं कारणों से अर्थात भारत में राष्ट्रवाद हमेशा अपने को नए रूपों में परिलक्षित करता है यह एक सतत प्रक्रिया है और इसलिए बात के इतिहासकारों ने जैसे सन 1970 और 1980 के दशक में कई इतिहास की पुस्तकें आपको ऐसी मिल जाएंगी, जिसके शीर्षक में आपको नेशन इन मेकिंग मेकिंग ऑफ इंडियन नेशन अर्थात भारत एक राष्ट्र के रूप में राजनैतिक अभिव्यक्ति से परे जहां सामाजिक और दैनिक जीवन की बात है वहां यह एक ऑनगोइंग प्रोसेस है अब इन तीन चार निर्मितियों को सिलसिलेवार तरीके से रखते हुए रखने के लिए ए आर देसाई अपनी किताब में पूर्व औपनिवेशिक समाज का एक व्यापक तस्वीर हमारे सामने पेश करते हैं और बताते हैं कि अंग्रेज़ों के आने से पहले किस प्रकार की संरचनात्मक सीमाएं भारतीय समाज में थीं यहाँ वे पाठकों का ध्यान भारतीय गांव की तरफ खींचते हैं और इस, इसके लिए वे जो भारतीय गांव से संबंधित एग्जिस्टिंग अंडरस्टैंडिंग बनी थी जैसे हेनरी मेन की किताब या फिर अन्य और ऐसे कई उदाहरण दिए जा सकते हैं जो दरअसल मोटे तौर पर ब्रिटिश साम्राज्यवादी शोधों का परिणाम था वहाँ से भारतीय गांव की जो समझ बनी थी ए आर देसाई मोटे तौर पर उस समझ को फॉलो कर रहे हैं वह समझ यह थी कि भारतीय गांव सदैव से एक असंपृक्त और आत्मनिर्भर इकाई रही आइसोलेटेड एंड सेल्फ सस्टेन्ड यूनिट अर्थात यह भी कि यूं तो भारतीय उपमहाद्वीप में नए समूह आते रहे ऊपर के स्तर पर राजवंश बदलते रहे साम्राज्य बदलते रहे लेकिन जो समाज का मूल इकाई था कि जो मूल संरचना थी जो आधार था जो भारतीय गांव था वह इन सभी परिवर्तनों से असंपृक्त रहा आइसोलेटेड रहा और आइसोलेटेड रहा इसका यह भी अर्थ हुआ कि वहाँ परिवर्तन नहीं आया वह जरूरत रहा ग्रामीण संरचना में कोई भी आधारभूत बदलाव पिछले 2000 सालों में नहीं हुआ ऐसा इस विचारधारा में शुरू में जब ए आर देसाई लिख रहे थे ऐसा माना जा रहा था और यह सोच दरअसल वे औपनिवेशिक साम्राज्य साम्राज्यवादी विचारधारा से एक तरह से कहें तो अनक्रिटिकली बौरव कर रहे थे अब यहाँ ये देखें कि वह जो जरूरत संरचना हुई वह सामंतवादी कारकों वहाँ सामंतवाद रहा और उसका स्वरूप जैसा कि मैंने कहा आइसोलेटेड यूनिट्स थे तो यहाँ समाज विकेंद्रित इकाइयों में विभक्त रहा इसी मॉडल को बाद के दशकों में भारतीय सामंतवाद के रूप से जाना गया 1965 में रामशरण शर्मा की किताब भारतीय सामंतवाद आई और वहाँ उन्होंने इम्पीरिकली यह दिखाया कि किस तरह से गुप्तोत्तर काल में मुद्रा व्यवस्था में पतन लंबे दूरी के व्यापार वाणिज्य में पतन नगरों का ह्रास इत्यादि ने भूमि और कृषि पर समाज की निर्भरता बहुत बढ़ा दी और इससे भूमि पर एक पदानुक्रमित अधिकार वाले समाज की निर्माण हम देखते हैं यह जो पदानुक्रमित इतिहास समाज व्यवस्था यह समाज सामंतवाद के केंद्र में बनी रही इस संकल्पना के लेकिन यह भी कह दें कि यह एक महत्वपूर्ण विषय रहा पिछले 40-50 सालों में एक महत्वपूर्ण डिबेट रहा जिसमें अनेक वाद विवाद हुए यहाँ हम उस तरफ नहीं जाएंगे वापस देसाई की तरफ हम रुख करते हैं तो भारतीय गांव के आत्मनिर्भर और असंपृक्त इकाई होने का अर्थ यह है इनके मॉडल में कि अंग्रेजों से आने से पूर्व अलग अलग प्रांतों के बीच इन बिखरे हुए ग्रामीण समुदायों के बीच कोई अखिल भारतीय संपर्क सूत्र नहीं था अंग्रेज सत्रह के बाद से ईस्ट इंडिया कंपनी को जब दीवानी अधिकार मिला बंगाल में उसके बाद और 19वीं सदी में पहली बार भारत में एक अखिल भारतीय स्तर पर शासन व्यवस्था न्याय प्रणाली और अनेक क्षेत्रों में आदान प्रदान की शुरुआत हुई और ये जो अलग अलग बिखरे हुए असंप्रक्त आत्मनिर्भर ग्रामीण समुदाय थे वो पहली बार एक संपर्क सूत्र में बढ़े बने और यहाँ भारतीय राष्ट्रवाद का सूत्र भारतीय राष्ट्र का सूत्र ढूंढा जा रहा है इस विचारधारा में साथ ही हम वापस पश्चिमी यूरोप की तरफ रुक करें क्षण भर के लिए तो हम देखते हैं कि जहां पश्चिमी यूरोप में चौदहवीं पंद्रहवीं सदी से या फिर कुछ पहले से ही धर्म युद्ध के बाद से नए दुनिया की खोज के साथ ही उत्तरोत्तर सत्रहवीं अठारहवीं सदी के बीच का जो यह पाँच सौ चार सौ शब्दों सालों का जो अवधि है इस अवधि को सामंतवाद से पूंजीवाद के संक्रमण काल के रूप में भी देखा जा रहा जा, जा, जाता है और यहाँ अनेक तरह के आर्थिक परिवर्तन हुए जैसे सोलहवीं सदी में इंग्लैंड में इंक्लोजर सिस्टम का होना जिससे भूमि पर निजी मालिकाना हक की शुरुआत होती है भूमि पर या कृषि पर जो अतिरिक्त वर्किंग फोर्स काम कर रहा था वह वहाँ से उसका पलायन होता है और शहरों में यह फोर्स सस्ते श्रम के रूप में आधुनिकीकरण को क्षमा करें औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देता है तो पश्चिमी यूरोप के तुलना में भारत में भूमि पर जो निजी मालिकाना हक है वह यहाँ नहीं पाते हैं ऐतिहासिक रूप से अर्थात भूमि पूंजी न तो पूंजी की काय और न ही एक कमोडिटी फॉर्म के रूप में ट्रांसफॉर्म होते हम देखते हैं भूमि को तो इन सब का यह मिला जुला परिणाम कह सकते हैं कि भारत में पूर्व औपनिवेशिक कालों में कोई राष्ट्रीय भावना का उदय नहीं है जब अंग्रेज आते हैं और ए आर देसाई यहाँ अंग्रेजों के भू राजस्व नीति की बात करते हैं परमानेंट सेटलमेंट रैयत सेटलमेंट और माहबारी सेटलमेंट पहली बार इन भू राजस्व सेटलमेंट्स के साथ भूमि पर खासकर परमानेंट सेटलमेंट से के कारण एक किस्म का मालिकाना हक की शुरुआत होती है मैं फिर से कहूं कि यह बहुत संक्षेप में और सरलीकृत तरीके से पूरे मॉडल को समझना है लेकिन चूंकि हमें अभी अपने मुद्दे पर काफ़ी आगे जाना है तो इसीलिए हम बहुत विस्तार से इन विषयों की तरफ यहाँ नहीं जा सकते कुल लब्बाब यह कि इन भू राजस्व नीतियों के कारण अंग्रेजों के आने के कारण पहली बार एक तो अखिल भारतीय संपर्क सूत्र में बंधे ये असंपृक्त ग्रामीण इकाई और दूसरा कि जो अब तक आत्मनिर्भर ग्रामीण व्यवस्था थी वहां हस्तक्षेप हो रहा है इन भू राजस्व नीतियों के कारण इसी के साथ 19वीं सदी में हम डी इंडस्ट्रियलाइजेशन या बी औद्योगिकरण पाते हैं कुटीर उद्योगों का पतन और साथ साथ खासकर 19वीं सदी के मध्य के बाद से देसी पूंजीपति वर्गों का भी उदय पाते हैं यह पूंजीपति वर्ग वह था जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण उभरा था और जिसके बारे में हमने ड्रेन थ्योरी की जब बात हम कर रहे थे उस लेक्चर में हमने किया था दादा भाई नोरोजी के हवाले से तो एक तो 19वीं सदी के मध्य के बाद से यह एक बहुत छोटा ही सा लेकिन एक पूंजीपाती वर्ग उभर रहा था दूसरा कि अंग्रेजों के आने के साथ साथ जैसे अंग्रेजी शिक्षा नीति के कारण श्रमिक वर्ग और मध्य वर्ग भी अठारहवी क्षमा उन, करें उन्नीसवीं सदी में आकार ले रहा था इन मुद्दों पर हम बाद में आएंगे जब 1960 के दशक में जैसे कृषि में वाणिज्यवाद या भू राजस्व नीति भूमि के मालिकाना हक आदि के ऊपर भारत में इतिहासकारों का ध्यान गया कुछ महत्वपूर्ण कृतियाँ हमारे सामने आई जैसे कि फ्रैकनबर्ग का भूमि के मालिकाना इतिहास को लेकर काम जो एक अहम पड़ा माना जाता है हिस्टोग्राफिकल या फिर कृषिकों की भूमिका इतिहास में कृषि व्यवस्था की तरफ इतिहासकारों का ध्यान जाना जहां इरफान हबीब की महत्वपूर्ण कृति एग्रेरियन सिस्टम ऑफ मुगल इंडिया 1960 1962 में आती है तो जो स्टेज आप कह सकते हैं ए आर देसाई सेट कर रहे हैं 1940 के दशक के मध्य वह उसके अब अब अलग अलग मुद्दे बाद के दशकों में बहुत विस्तार से हिस्टोरिकल डिबेट्स उन पर हमारे सामने आते हैं जैसे 1970 के दशक में बहुत महत्वपूर्ण डिबेट रहा कृषि में वाणिज्यवाद को लेकर जिसे हम मोड ऑफ प्रोडक्शन डिबेट के रूप में भी जानते हैं इन सभी विषयों पर हम जब आर्थिक विषय आर्थिक इतिहास की बात करेंगे वहाँ और विस्तार से हम इन मुद्दों पर वापस आएंगे वापस ए आर देसाई के इतिहास के मॉडल की तरफ जाएं, तो उन्होंने राष्ट्रवाद के विकास के पांच चरण रेखांकित किए पहला जो 19वीं सदी के पूर्वार्ध का चरण था यहाँ सामाजिक आधार राष्ट्रवाद का अत्यंत संकीर्ण था पाश्चात्य शिक्षा दीक्षा के कारण एक नया बुद्धिजीवी वर्ग का उदय तो हो गया था लेकिन इसका मुख्य सरोकार सामाजिक सुधार और धर्म सुधार के विषय ही रहे जैसे राजा राममोहन राय के हस्तक्षेपों की तरफ हम एक उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं दूसरा चरण मध्य 19वीं सदी के बाद से यहाँ राष्ट्रवाद का जो सामाजिक आधार था वह कुछ अधिक विस्तार लेता है लेकिन अब भी यह शिक्षित मध्य वर्गों के बीच ही सीमित था जैसा कि मैंने अभी कहा इस समय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से देसी पूंजीपति वर्ग का उदय हम देखते हैं मध्य वर्ग जो मेकाले की शिक्षा नीति के कारण आकार ले रहा था जहां से उदारवादी चिंतक हमारे सामने आते हैं तो यह सब 19वीं सदी के उत्तरार्ध में हम पाते हैं और यह चरण 1905 तक ए आर देसाई इसे मानते हैं 1905 जैसा कि आप में से बहुतों को ज्ञात होगा स्वदेशी आंदोलन और बंगाल विभाजन के विरोध का समय था और 1905 से लेकर 1918 का जो फेज है उसे ए आर देसाई राष्ट्रवाद के विकास में तीसरे चरण के रूप में रेखांकित करते हैं इस दौर में रिवॉल्यूशनरिस्ट रिवोल्यूशनरीज जिन्हें उग्रवादियों के नाम से भी उस समय पुकारा जाता था उनके राजनीतिक प्रचार प्रसार से राष्ट्रवाद राष्ट्रवादी आंदोलन में एक किस्म की आक्रामकता तो आई ही लेकिन एक आत्मविश्वास में भी इजाफा हुआ लेकिन इस तीसरे चरण में जो भाषा जो जिस तरह के राजनीतिक बिंबों का इस्तेमाल किया जा रहा था जो दर्शन था वह हिंदू दर्शन में सीमित था और इस कारण से राष्ट्रवाद का के प्रचार प्रसार की अपनी सीमा एक सामाजिक सामुदायिक सीमा तय हो जाती थी <laughs> चौथे चरण को 1918 से 1934 के बीच माना ए देसाई ने यह प्रथम विश्व युद्ध के बाद का दौर था जब विश्व युद्ध से उत्पन्न महंगाई आर्थिक तंगी आदि के कारण भी और दूसरी ओर महात्मा गांधी के प्रयासों के कारण जब महात्मा गांधी ने 1920 के बाद से खासकर नए वर्गों को राष्ट्रवादी मुहिम में जोड़ा और एक तरह से कहें तो 1915 से 1920 के बीच का जो दौर है वह भी बहुत महत्वपूर्ण है जब महात्मा गांधी अहमदाबाद के मिल स्ट्राइक्स या फिर चंपारण के नील किसानों के मुद्दों को लेकर आवाज़ उठा रहे हैं तो 1918 से लेकर 1930 या कहें तो 1934 तक का जो फेज है जिसमें नए सामाजिक वर्ग राष्ट्रवादी चेतना के साथ जुड़े और एक दूसरे के आ, और सामाजिक विस्तार हुआ लेकिन यहां इस दौर में एक महत्वपूर्ण तथ्य की तरफ वे रेखांकित करते हैं और वह है कांग्रेस और के नेताओं और पूंजीवादियों के बीच का संबंध तो जो कांग्रेस का लीडरशिप था वह मध्यवर्ग के हाथ में रहा और मध्यवर्ग और पूंजी पूंजीपति पूंजीवाद के बीच के संबंध को ए आर देसाई रेखांकित करते हैं और बाद के इतिहासकारों ने इस तरफ और भी काम किया पांचवा चरण 1934 से उन्नीस के बीच का जब जो वर्ग किसान और श्रमिक तीस चौथे चरण में कांग्रेस के साथ जुड़े थे उनका कांग्रेस के लीडरशिप के साथ मोह भंग हो रहा है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के रूप में यह अभिलक्षित होता है किसान और श्रमिक कांग्रेस से दूर जा रहे हैं और इस चरण में द्वितीय विश्व युद्ध की विभीषिका से भारतीय पूंजीवादी वर्ग आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से और भी सुदृढ़ हो रहा है जो क्लास कॉन्ट्रेडिक्शन है वह अधिक शार्प तरीके से इस समय उभर रहा है और यहाँ गौरतलब है कि 1946 में इस पुस्तक का प्रकाशन हो जाता है तब तक भारत को स्वतंत्रता नहीं मिली थी लेकिन अंत की तरफ किताब पुस्तक में ए आर देसाई भविष्य के प्रति अनुमान लगाते हैं और यहाँ वे उनका विचार है कि आने वाले समयों में बुर्जुआ लीडरशिप और उनके प्रौतार्यत समर्थकों किसानों श्रमिकों के बीच का विरोधाभास और गहराता जाएगा जिसके गंभीर परिणाम हिंसा और दंगों के रूप में भी सामने आने की संभावना उन्होंने व्यक्त की हम इस लेक्चर को यहाँ आज विराम देंगे लेकिन इसके दूसरे चरण के रूप में हम इस बात की तरफ तवज्जो चाहेंगे कि 1946 के में ए आर देसाई की किताब के, के प्रकाशन के बाद से लेकर और अगले 30-40 सालों में मार्क्सवादी इतिहासकारों ने किस तरह से इन मुद्दों को जिन्हें हमने यहाँ आज रेखांकित करने का प्रयास किया उसके बारे में हमारी समझ में किस तरह से इजाफा किया और उसका भारतीय इतिहास लेखन में क्या प्रभाव पड़ा शुक्रिया Piece of literary snippet. We usually know William Shakespeare as the most revered figure in the history of English literature. But we often tend to forget that he has also been one of the most hated figures in literature. And here I am not talking only about those boys and girls who have to memorize long sections from Macbeth or King Lear or Julius Caesar uh, before they can go and sit for their school and, or college exams. But I am also talking about people who are themselves quite famous authors. Tolstoy, for instance, considered the writings of Shakespeare to be, and I quote, crude. Immoral, vulgar, and senseless. George Bernard Shaw absolutely loathed Shakespeare as he did Homer. But perhaps no other criticism about Shakespeare is more damaging than the one which says that Shakespeare is a marvelous storyteller, provided someone has told him the story earlier. Now, this piece of criticism is particularly damaging because it is true. None of Shakespeare's plays contain any original story whatsoever. They are all written using pre existing materials, pre existing stories. Now, does that diminish the stature of Shakespeare as a dramatist? Well, I'll leave that for you to decide. See you in the next episode of Literary Snippets.